हाय गाइस, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू इंस्टा सॉल्व लाइव सेशन। हाय कनु, हाय मृदुल, हाय सुमित, गुड इवनिंग त्रिशा, हाय गुड इवनिंग शीलम, हाय राठी, हाय एवरीवन, यस यू आर चैटिंग। हेलो नेहा, हाय सलोनी, ओके, सो वी हैव मैनी पीपल हेयर। तो जैसा कि अब आपको पता ही है कि वर्क एनर्जी पावर टॉपिक हमारा अभी कंटिन्यू हो रहा है, और इस पे हम कॉन्सेप्ट बेसिस पे पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तक कंप्लीट कर चुके हैं, और लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे। तो अब यहाँ पे फिर से आज एक क्लास मैंने क्वेश्चंस की रखी है। तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में भी हम क्वेश्चंस करेंगे और आपके लिए कुछ होमवर्क में भी देंगे क्वेश्चंस। ठीक, तो आज शुरू करते हैं फटाफट। वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन सेशन चल रहा है अभी। तो वर्क तो डिफाइन कर ही चुके हम कि हाउ वी हैव डिफाइंड वर्क। वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नेचर ऑफ वर्क भी हो चुका है कम्प्लीट, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स इज कम्प्लीटेड, और इसमें क्वेश्चन भी इस पर बेस्ड हमने किए थे और बताया भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? वर्क एनर्जी थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड 2019 में 2 to 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कम्प्लीट हो चुका है हमारा, और पोटेंशियल एनर्जी चेंज कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट? हाय म्यूजिक मंत्रा, चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन, रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये सारा कुछ हो चुका है। अब फटाफट से ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ये थोड़ा वार्म अप टाइप का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और जेई मेन पे आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? ये जेई मेन पे बेस्ड क्वेश्चन है, इवन शायद ये एग्जैक्ट आया हुआ ही है जेई मेन में। तो इसको सॉल्व करो, देखते हैं कौन आंसर निकाल रहा है जल्दी से फटाफट। थैंक यू दीपांजलि, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। थैंक यू गेस्ट। डोंट वरी, इफ यू आर इन 10th क्लास यू कैन जस्ट वॉच एंड लर्न, ठीक है? सर आई हैव प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेशन। तो अपनी कैलकुलेशंस को थोड़ा इंप्रूव करो। ओके, जैनम शाह इज सेइंग 15 जूल्स आई थिंक, एंड नेहा इज सेइंग 9 जूल्स। गुड इवनिंग मेहुल, यू आर लेट। हाय आरिफ, 12 मीटर पर सेकेंड, वॉट इज द काइनेटिक एनर्जी? दे आर आस्किंग काइनेटिक एनर्जी, यू आर 12 जूल आ गया नीचे, करेक्ट? ओके, ये कोई दूसरा गेस्ट है। हाय रजनी, हाँ 12 जूल अब करेक्ट हो गया। जोन स्टार्स इज सेइंग 9, सो वी हैव 2 पीपल हु आर सेइंग 9 जूल्स, एंड रेस्ट ऑफ यू आर सेइंग 12 जूल। बाकी जनता को क्या हुआ? चलो ये आसान सा क्वेश्चन है। कनु इज सेइंग 15 जूल इज माय आंसर। ओके नेहा, नेहा हैज करेक्टेड हर आंसर टू 15 जूल। चलो देखते हैं फटाफट से, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बेस्ड है बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, ठीक है? तो पार्टिकल विच इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इज गिवन बाय एफ इक्वल टू 3i-12j। अच्छा, फोर्स गिवन है 3i-12j, अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4i।
अच्छा ठीक, तो 3i कैप माइनस 12j कैप इज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 4i कैप इफ द पार्टिकल हैड अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 जूल एट द बिगनिंग ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वॉट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा 3 जूल स्टार्टिंग में थी, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू एफ डॉट डी। सिंपल वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन है सिंपल। तो काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के एफ निकालना है, के इनिशियल 3 जूल्स गिवन है, और एफ डॉट डी इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बहुत आसान है ये, तो 3 × 4 = 12, राइट। तो के फाइनल विल बी 15 जूल्स, तो इसमें तो कोई टाइम नहीं लगना चाहिए जैसा कि जैनम ने किया था। सो जैनम शाह ने एकदम इंस्टेंट आंसर दिया था आई थिंक सबसे फास्ट। तो 15 जूल जिसका भी है वो करेक्ट है, ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ये बहुत इजी है। चलो ये हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। अरे 5 जूल नहीं है गेस्ट, 15 जूल। हाय नॉट बैड, हाउ आर यू। चलो अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ, यहां मैं बता देता हूँ ये हिंज है, ठीक है, ये वाला पार्ट हिंज्ड है, दैट मीन्स दिस सिस्टम कैन रोटेट अबाउट दिस पॉइंट ओ। ओके सो अ बॉल, अ स्मॉल स्फेयर ऑफ मास एम, इसका मास एम है, इज गिवन वर्टिकल वेलोसिटी वी नॉट 5 मीटर पर सेकेंड। ओके दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड एज शोन। फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन विद द वर्टिकल एट विच स्ट्रिंग विल ब्रेक, स्ट्रिंग कैन विदस्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ 2 mg। अच्छा चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्वेश्चन बेस्ड है, आपको पता ही होगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे। तो देखते हैं इसका आंसर कौन जल्दी से दे पाता है। आई होप एज ऑलवेज जैनम वुड वुड आंसर दिस फास्टेस्ट। के शेट्टी वरुण, हाय हाउ आर यू, नॉट बैड, काफ़ी दिनों के बाद आए हैं ये। वॉट इज कनू, राइट आंसर वॉज 15 जूल्स, आई सॉल्व इट। गाइस सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आई एम गिविंग यू 3 to 4 मिनट्स। तो गाइस हुआ सॉल्व भी है, आया किसी का आंसर? ओके कनु अमृत इज सेइंग कॉस इनवर्स 1/4 इज द आंसर। चलो देखते हैं,
कॉस इनवर्स 1/4 होगा तो लेट्स सी, कनू ने सबसे फास्ट सॉल्व किया ये। सेल चेंज किया, करो करो फटाफट, 2 मिनट क्या बोलूँगा से आवाज़ ही नहीं जा रही है। ये आवाज आ रहा है आपको? आवाज आ रही है गाइस? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स इफ आई एम ऑडिबल। ओके राइट, तो अभी आवाज आ गई है, लेट्स डू इट। ठीक है, सो सम पीपल आर सेइंग कॉस इनवर्स 3/8 राइट, और काफी जनता हमारी कह रही है कि कॉस इनवर्स 1/4। चलो चेक कर लेते हैं क्या होगा। तो ये फाइंड करना है हमको थीटा फ्रॉम दी वर्टिकल राइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मैंने बताया था कि देखो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी लेवल पे हम जीरो ले सकते हैं राइट, तो डेटम को चूज करना तो हमारे ऊपर है। सो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी लेवल जीरो ले लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगी एम जी एच, एच इज दी लेवल डिफरेंस राइट। तो H कितना होगा यहाँ पे, H की वैल्यू होगी हमारी L, दिस इज द लेंथ L cos theta राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो जाएगी mg into L cos theta राइट।
अब इनिशियली काइनेटिक एनर्जी वी नॉट है, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी कुछ वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं वी नॉट, राइट। अब एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसके कंपोनेंट्स होंगे, ये हो गया एंगल थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया एम जी कॉस थीटा, और टेंजेंट इस डायरेक्शन में, सॉरी टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगी, राइट, और वेलोसिटी टेंजेंशियल है यहाँ पे वी, वी हमने वेलोसिटी टेंजेंशियल कंसिडर कर ली, ठीक। अभी तो आवाज आ रही है कनु, आई थिंक हाँ ठीक है, तो अब फटाफट सॉल्व करते हैं। तो दो पॉइंट हो गए हमारे पास, एक पॉइंट हो गया ए, एक हो गया है बी, राइट। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, क्योंकि जो भी हो रहा है सब कुछ कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से हो रहा है, राइट। और टेंशन का तो वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, जीरो, तो टेंशन, तो टेंशन की वजह से तो कोई वर्क डन होगा नहीं, राइट। तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बिल्कुल लगा सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी एट ए इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज एम जी एल कॉस थीटा, राइट। काइनेटिक एनर्जी एट बी इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज जीरो, ठीक है, क्लियर है गाइस। चलो गाइस सॉल्यूशन तो शुरू हो चुका है, अब फटाफट से कैसे, अब यहां पे एक एफबीडी बनाते हैं पॉइंट बी पे, ठीक है, जो लोकेशन बी है हमारी उसकी एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, यहाँ पे देखो, तो इस पे एम जी कॉस थीटा तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एम जी कॉस थीटा, और टेंशन हमारी इसके बिल्कुल अपोजिट में लग रही है, और वेलोसिटी टेंजेंशियल है, राइट, तो सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पे, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, दैट इज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, राइट। मेहुल अभी तो आवाज आ रही है, साउंड प्रॉब्लम, एक बार लाइव पे क्लिक करो, स्क्रीन पे लाइव पे क्लिक करो, इसलिए आवाज आपको हो सकता है नहीं आ रही हो, आप स्टार्टिंग में हो गए वीडियो के। तो यहां पे फटाफट से अब एक इक्वेशन बनाओ अपनी न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा विल बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, राइट, क्लियर है। अब उसमें क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि टेंशन जो है वो 2 mg हो सकती है, राइट। टेंशन कितनी हो सकती है, मैक्सिमम टेंशन 2 mg, तो टेंशन को 2 mg पुट करेंगे यहाँ पे, सो 2 mg माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, तो एम से तो एम उड़ गया, तो ये क्या आ गया, 2 gl माइनस जी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक। तो वी स्क्वायर का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है, 2 gl माइनस जी एल कॉस थीटा, अब इसको पुट कर देंगे, क्लियर है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल कॉस थीटा इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर का एक्सप्रेशन अभी आया है हमारे पास, 2 gl माइनस जी एल कॉस थीटा, राइट। अब इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 gl माइनस जी एल कॉस थीटा, ठीक है, सर कैन इट बी सॉल्व बाय एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, हाँ देखते हैं, अभी पहले इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं, आंसर पता लग जाएगा। तो यहां से एम गया, ठीक, अब इसको इधर ले जाओ, जी एल कॉस थीटा को उधर ले जाओ, या इधर जी एल कॉस थीटा बाय 2 को इधर ले आओ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से पूरी इक्वेशन को ही उड़ा देते हैं, ये गया, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 gl कॉस थीटा, तो इक्वेशन हमारी बनेगी वी नॉट स्क्वायर प्लस 2 gl कॉस थीटा इक्वल टू 2 gl माइनस जी एल कॉस थीटा, ठीक है।
अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, फटाफट से सारी वैल्यूज पुट करेंगे। वी नॉट हमको गिविन है 5 मीटर पर सेकेंड, लेंथ हमको गिविन है 2 मीटर, और कॉस थीटा हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉस थीटा जो आपके पास निकल के आएगा सॉल्व करने के बाद, वो आएगा इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 1/4। अब यहाँ पे जगह नहीं है गाइस, तो इसको रब कर देता हूँ मैं। कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/4, तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/4। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग सॉल्व कर लेना, वैल्यूज पुट करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं गाइस, और भी क्वेश्चन है हमारे पास। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, सॉल्व करो इसको। अ पर्सन ऑफ मास 70 kg जंप्स फ्रॉम अ स्टेशनरी हेलीकॉप्टर विद द पैराशूट ओपन। एज ही फॉल्स थ्रू 50 मीटर हाइट, ही गेन्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। The work done by the viscous air drag is, चलो बताओ फटाफट से, सॉल्व करो इसको। गाइस जिसको आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज़ गो बैक एंड ज्वाइन अगेन। मे बी आप लोग सेशन में काफ़ी पीछे चल रहे हो, ठीक है, तो यू कैन गो बैक एंड ज्वाइन अगेन। ओके, जैनम का आंसर आ गया है -21,000। असीम इज सेइंग 21 किलो जूल्स, गेस्ट इज सेइंग 21,000 जूल्स। संगीता सोनी, क्या डाउट है आपका? डाउट तो आया नहीं यहाँ पे। ओके, आई वांटेड टू आस्क कि अगर रोप की जगह रॉड लें और उसको, तो भी कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा। ठीक है, ओके, जैनम्स फाइनल आंसर इज -21,000 जूल। आई होप इट इज इट्स करेक्ट। नेहा हैज ऑल्सो गॉट -21,000 जूल। सोनी, तो भी कॉन्सेप्ट यही लगेगा, लेकिन बस रॉड के केस में क्या हो जाएगा, रॉड का मास होगा कुछ, तो उसका सेंटर ऑफ मास से आपको पोटेंशियल एनर्जी चेंज लेना पड़ेगा। ठीक है, उसमें भी कॉन्सेप्ट यही लगेगा आपको, जहाँ भी ये दिखता है इनिशियल और फाइनल पोजीशंस की कंडीशन। तो सिंपल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ और आंसर लेके आओ, और बहुत सिंपल होता है ये मेथड अप्लाई करना। ठीक है, तो काफ़ी लोगों का आ गया -21,000 जूल्स, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 21,000 जूल्स भी कह रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव तो नहीं होगा, डेफिनेटली नेगेटिव ही होगा, क्योंकि पर्सन देखो हेलीकॉप्टर से जंप कर रहा है। लेट से हेलीकॉप्टर का प्लेटफॉर्म ये था और वो जंप कर गया। ठीक, अब इतनी हाइट है 50 मीटर, और यहाँ पे मैन के पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब जब इसने जंप किया होगा तो सही है, स्टेशनरी हेलीकॉप्टर से जंप कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही होगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, राइट। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटी प्लस ड्रैग, राइट, ग्रेविटी और ड्रैग लग रहा है।
यस, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ नीड यू कैन डेफिनेटली अटेंड दिस क्लास. ठीक है गाइस, एंगुलर मोमेंटम कम कब कंजर्व रहता है सोनी? जब एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे क्या होता है, जीरो. तो देखो वहां पे टॉर्क जीरो है क्या सारे फोर्सेस का? W वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय ड्रैग फोर्स, राइट. अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो K फाइनल माइनस K इनिशियल. K फाइनल इज हाफ m, 70 kg मास है मैन का. V स्क्वायर 20 × 2400. वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा सिंपल mgh, mg नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो 70 × 50 × 10. g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, और वर्क डन बाय ड्रैग. ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा नेगेटिव आएगा 21,000 जूल्स. जिसका भी ये आंसर है -21,000 जूल्स वो बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, जैनम शाही सिंह नो ग्रेविटी. नो ग्रेविटी का क्या मीनिंग है जैनम, आप क्या कहना चाह रहे हो? ग्रेविटी तो लग रही है ना, पर्सन नीचे आएगा क्यों वरना ग्रेविटी नहीं लगेगी. तो वर्क डन बाय टेंशन हमेशा जीरो होता है क्या? कैसे हमेशा जीरो कह सकते हो आप? ये तो गलत स्टेटमेंट है. वर्क डन बाय टेंशन हमेशा जीरो कैसे हो सकता है? ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है अपने आप में. अगर टेंशन किसी ब्लॉक को स्लाइड करती हुई लेके जा रही है तो वर्क डन जीरो कैसे होगा? टेंशन क्या होगा? टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. लेकिन अगर उस टेंशन की वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो क्या होगा वहां पे? जीरो होगा वर्क डन. ठीक है. हाँ जैनम, माई डाउट इन प्रीवियस क्वेश्चन. योर डाउट इन प्रीवियस क्वेश्चन, विच क्वेश्चन यार? अबाउट ग्रेविटी. ठीक है मेहुल. अच्छा एक बार ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं मैं. देखो, जब हेलीकॉप्टर से पर्सन ने जंप किया तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है? जीरो, राइट. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड. कितना डिस्टेंस हो गया है जब वो नीचे आ चुका है? 50 मीटर्स, राइट. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. दिस वी हैव लर्न्ड इन वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय ड्रैग फोर्स. ग्रेविटी विल एक्ट डाउनवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. Drag will act in the upward direction. The drag force will act in the upward direction and displacement is in the downward direction. So angle between them is 180 degree. So definitely work done by the drag force is going to be negative, right? तो यहाँ पे क्या होगा? वो तो बहुत सिंपल है. तो डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज. फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल तो जीरो है, और वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी एम जी एच, सिंपल. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एम जी. 70 × 10 × displacement is 50 plus work done by the drag force. तो इसको जब subtract करोगे solve करके तो क्या आएगा? -21,000 joules, right? चलो अब next question की तरफ बढ़ते हैं. I hope this is clear. जैनम आपका doubt वो clear हो गया या नहीं हुआ? My doubt in previous question. चलो अब आगे बढ़ते हैं. हाँ, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से ही किया है हमने शुभांगी. चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ. अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स एफ इज इक्वल टू 60 एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg. इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 सेकेंड विल बी ओके ड्यूरिंग द 1 सेकेंड विल बी ये भी निकाल सकते हो आप. अब इसका आंसर निकालो फटाफट. ओके जैनम, ओके
ओके असीम इज सेइंग थ्री जूल्स, थ्री जूल्स वर्क डन बाय द फोर्स, बाकी जनता निकालो। ओके सो मैनी पीपल आर सेइंग 4.5 जूल्स एंड संगीता सोनी हैज़ डाउट आउट ऑफ द टॉपिक। चलो देखते हैं, संगीता सोनी कह रही है सर अगर एक हॉलो स्फीयर है और उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक, और नीचे एक होल है जिससे पानी निकल रहा है, ओके, तो उसका सेंटर ऑफ मास के साथ क्या होगा और क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब देखो आप पानी निकलेगा ही क्यों, अगर आप स्फीयर है और उसके नीचे होल कर रहे हो तो पानी क्यों निकल रहा है, व्हाई वाटर इज कमिंग आउट, ठीक। तो आप बर्नौली इक्वेशन लगाओ वहां पे, वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ही तो प्रूव होती है बर्नौली इक्वेशन। तो पानी इसलिए आ रहा है क्योंकि वाटर के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, राइट, और नीचे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, नीचे होल है तो पानी कैन मूव आउट फ्रॉम दैट होल, राइट। तो पानी के पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है, कहां से आ रही है, वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वाटर में वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास की बात है तो अब आप देखो मास किधर शिफ्ट हो रहा है, नीचे की तरफ। अब धीरे धीरे सेंटर ऑफ मास कहाँ आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, लेकिन जब सारा पानी निकल जाएगा तो वापस सेंटर ऑफ मास कहाँ चला जाएगा, सेंटर पे स्फीयर के, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर सोनी। चलो आगे बढ़ते हैं, काफ़ी बच्चों का आंसर 4.5 जूल आ गया, अब देखते हैं इसका आंसर 4.5 जूल है या कुछ और है। टाइम डिपेंडेंट 460 एक्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, अच्छा मास 1 kg है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड। चलो तो वर्क डन तो क्या होता है, सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है वर्क डन तो, ठीक। और इसको कैसे कर सकते हैं, और कोई तरीका है क्या? हाँ और भी तरीका है, एम ए गिवन है 60 और मास है 1, तो एक्सेलरेशन हो गया 60, एक्सेलरेशन को dv बाय dt भी लिख सकते हैं, राइट। तो इंटीग्रेशन करेंगे इसको, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v, तो v माइनस 0, मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ इंटीग्रेशन का, हो सकता है कि आपको क्लियर हो, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन आता है, मैं स्किप कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड आ गई, राइट, वेलोसिटी हमारे पास आ गई 3 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड आ गई तो सिंपल फिर तो हो गया, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, वर्क डन तो ये भी होता है डेल्टा के, तो डेल्टा के निकालते हैं फिर। फाइनल तो ये है हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल इज 0, ठीक। 4.5 जमीला इज सेइंग 4.5 कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो सिंपल है, बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे अब हम और आंसर आ जाएगा 1/2, एम 1 है 9, तो हमारा आंसर आ गया 4.5 जूल्स। तो 4.5 जूल इज द राइट आंसर, ठीक है, जिसका भी 4.5 जूल आया है बिल्कुल करेक्ट है, और ये जेई मेंस का क्वेश्चन है तो आप लोग अपने आप को +4 दे सकते हैं, 4 मार्क्स। और पीछे वाले क्वेश्चंस में भी काफ़ी लोगों का करेक्ट आंसर आया है तो बहुत सही है वो। मेहुल इज सेइंग सर वो वाला आंसर प्लीज़, कौन सा वाला आंसर मेहुल,
क्लियर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये करके दिखाओ। अरे इंटीग्रेशन तो कितना आसान है गट्टू, फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग इफ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ओके, अच्छा इसकी फिगर नहीं है, चलो ये निकालो। ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है स्प्रिंग का, और एम मास इस स्ट्रिंग से लटका हुआ है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, फ्रिक्शन कहीं नहीं है। अब इस सिस्टम को हमने रिलीज कर दिया, राइट, इनिशियली स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, ठीक। इसको जैसे ही हमने रिलीज किया तो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है ना, मैक्सिमम इलोंगेशन पूछ रहा है, मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग कितना होगा। सो एक्स मैक्स हमको निकालना है, ठीक, तो बहुत इजी सा है, करो 2mg/k। ओके, नेहा इज सेइंग 2mg/k, असीम इज सेइंग 2mg/k, मेहुल इज सेइंग एंगल विद द वर्टिकल। अच्छा वो वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, वो वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है यार, वो तो बहुत पीछे चला गया क्वेश्चन, अभी तो हम काफ़ी आगे आ गए, तो टाइम बचेगा तो मैं कर दूंगा एक्सप्लेन एक बार, ठीक। और किसी को भी दिक्कत है क्या उस वाले क्वेश्चन में, एंगल विद द वर्टिकल वाले में, कि काफ़ी बच्चों का 2mg/k आ रहा है, कि जैनम का भी आ गया 2mg/k, असीम का आ गया, जी पारिश का आ गया, सूरज, दीपांजलि, क्षितिज, देश पांडे। ओके, सो मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग निकालना है हमको। नाउ जैनम इज सेइंग 4mg/k, जैनम इज चेंजिंग आंसर्स नाउ। तो जैनम कौन सा सही मानेंगे फिर, 2mg/k या 4mg/k, आप किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे। आंसर इसी 4mg/k फाइनल। ओके, लेट्स सी, तो आंसर इसी की टर्म्स में आना है कन्नू, m g और k की टर्म्स में आप आंसर दे सकते हो, f कहीं भी नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो एफ की डम में आप आंसर नहीं दे सकते, ठीक। तो काफ़ी जनता कह रही है, देखो मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग 2mg/k, 2mg/k, ठीक है, सारे लोग 2mg/k बोल रहे हैं इसका आंसर। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा ये गाइस। देखो होगा क्या, जब आप जैसे ही इसको छोड़ोगे तो स्प्रिंग तो नीचे आएगा ही डेफिनेटली, क्यों नीचे आएगा, क्योंकि पुली नीचे जाएगा, तो वो बात तो ठीक है। फिर तो पुली अगर कुछ नीचे गया, मान लो कि पुली यहाँ आ गया फाइनली, ठीक है, तो स्प्रिंग भी नीचे आएगा। तो स्प्रिंग हमने माना कि कितना नीचे आ गया, स्प्रिंग नीचे आ गया एक्स, स्प्रिंग एक्स नीचे आया तो पुली भी एक्स नीचे आया, ठीक। लेकिन रोप कितनी लूज हुई है, एक साइड से एक्स और दूसरी साइड से एक्स, तो मास कितना नीचे जाएगा, मास नीचे जाएगा 2x, ठीक है। तो ये क्लियर है, ओनली जैनम इज विद 4mg/k, मैंने कहा था जैनम, मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सेप्ट जैनम, सारे लोग 2mg/k बोल रहे हैं, राइट। तो बताओ यहां पे ये वाला मास कितना नीचे आएगा, ये तो यहां आ जाएगा ना 2x नीचे, ठीक है। नाउ क्षितिज इज सेइंग 4mg/k, तो जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी चेंज हुई है मास की, वो किस में जाएगी, स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी, राइट। तो स्प्रिंग में कितनी स्टोर होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, और उसमें चेंज कितनी हुई है, एम जी इंटू 2x, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, सिंपल, वेरी गुड। तो यहाँ से जो आएगा हमारे पास एक्स, वो कितना आएगा, 4mg/k, राइट। तो 4mg/k आ गया आंसर,
करेक्ट। तो जिसका भी 4mg अपॉन के है वो ठीक है, और वो एक ही है जैनम का ही है 4mg अपॉन के, और एक क्षितिज ने लास्ट में बोला था। ओके सर, स्प्रिंग फॉर 2mg फोर्स लेकर क्यों नहीं कर सकते? 2mg फोर्स लेकर इसलिए नहीं कर सकते, एक्चुअली काफ़ी बच्चों को ये डाउट होता है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है, अगर आप जैसे एक स्प्रिंग लो प्लेटफॉर्म पे और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखो, लेकिन ब्लॉक को अभी कंस्ट्रेंट है, ब्लॉक को हमने पकड़ रखा है, ठीक है? जैसे ही ब्लॉक को रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? चलो अच्छा इसका आंसर दो, मैं आपसे पूछता हूँ ये सेम क्वेश्चन अगेन, इसका आंसर दो। ये प्लेटफॉर्म है ठीक है, और ये हमारे पास स्प्रिंग है, अभी आपको सारा क्लियर हो जाएगा ठीक। अब इसके ऊपर मैंने एक एम मास का ब्लॉक रखा है लेकिन अभी रिलीज नहीं किया है ठीक। ये स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ में है और इस एम मास के ब्लॉक को मैं सडनली रिलीज कर रहा हूँ अचानक से, तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा करो। अब काफी बच्चे इसका आंसर कहेंगे एम जी अपॉन के, ठीक। अभी बता रहा हूँ एनर्जी कंजर्वेशन का क्यों यूज किया असीम, अभी क्लियर हो जाएगा। हाँ रिलीज किया है, फर्क है धीरे से छोड़ने में और रिलीज करने में फर्क है, वेरी गुड। तो यहाँ पे रिलीज किया है, वहां पे भी रिलीज ही किया था हमने, मैंने बोला था आपको मास एम को रिलीज किया है, धीरे से नहीं छोड़ा है। यहाँ पे आंसर होगा 2mg अपॉन के। अब mg अपॉन के काफी बच्चे सोचते हैं कि mg अपॉन के क्यों, क्योंकि mg इज इक्वल टू kx कर दिया, x इज इक्वल टू mg अपॉन के, आंसर आ गया, ऑप्शन में भी होता है और -1 मार्क्स आ जाते हैं ठीक। ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि जब ये अपनी मीन पोजीशन पे आएगा ठीक है, जो बैलेंस कंडीशन जो आप बोल रहे हो एम जी इक्वल टू के एक्स, तब इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी ब्लॉक के पास, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये और नीचे जाएगा ठीक है। तो फिर ये एक सॉल्व कैसे होगा? सिंपल इनिशियल और फाइनल पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट है। तो फिर से हम फटाफट से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, तो जो एम जी एक्स पोटेंशियल एनर्जी है वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2mg अपॉन के, उसी तरह हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया है। अब मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा। ओके कैन यू एक्सप्लेन हाउ इट इज 2x? ठीक है ये भी कर लेते हैं, एक्सप्लेन 2x कैसे हुआ। चलो फटाफट सारे डाउट कर लो देखो, क्योंकि अभी कर लोगे तो अच्छा है, बाद में नहीं हो पाते हैं ठीक है। अब देखो ये पुली नीचे आ गई, पुली हैज कम डाउन बाय डिस्टेंस एक्स ठीक। तो स्ट्रिंग कितनी लूज हुई है? स्ट्रिंग तो दोनों साइड से एक्स एक्स लूज हुई है, स्ट्रिंग तो पुली के राइट हैंड में भी और लेफ्ट हैंड में भी है, तो स्ट्रिंग कितनी लूज हुई होगी? 2x। तो जो बॉब है या जो मास है ये कितना नीचे आएगा? ये 2x नीचे आएगा, समझ आ रही है बात? अगर पुली एक्स नीचे आएगी तो बॉल कितना नीचे आएगी? 2x। अभी क्लियर है? ये कन्नू आप क्या कर रहे हो, पानी क्यों आता है प्याज काटते समय? प्याज वैसे ही इतना महंगा हो रखा है, कोई काट ही नहीं रहा है अभी। चलो ये हो गया 2x वाला तो क्लियर है, समझ आ गया असीम को भी, वेरी गुड, काफी बच्चों को समझ आ गया ये। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्लियर होगा आई होप। तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया हमने, इक्वेट नहीं किया है फोर्सेस को, क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन आने के बाद भी वो और नीचे जाएगा काइनेटिक एनर्जी की वजह से। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट, हंस रहा है आसीन, सही बात है, प्यास की बातें कर रहा है ये लड़का, सारी दुनिया प्यास की बातें कर रही है। अच्छा ये वाला हो गया था, ये वाला करना है। फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन हैविंग मास एम एंड लेंथ एल, टेकिंग बेस ऑफ द हेमिस्फेयर एज द डेटम और रेफरेंस लाइन। अच्छा चेन तो है नहीं आप कहोगे, तो चेन अभी आ रही है यहाँ पे, ये आ गई चेन। ये चेन है
और ये ऊपर पिवट है, ठीक है, ये इस पॉइंट से गिर नहीं रही है, चेन इज फिक्स्ड, और इस चेन का जो मास है वो एम है और लेंथ एल है, और एल इज लेस देन दी आर और ग्रेटर देन दी आर, चलो कुछ भी है इतनी है, बस आप निकालो ये फटाफट, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको कि कितनी स्टोर होगी चेन के अंदर, ठीक है। बस इतना ही गिवन है, निकालो इसको, कंसिडर कर लो कि ये पूरा एंगल थीटा बनेगा, चलो असीम करो, पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड है। हाँ रेडियस तो ऑब्वियसली रेडियस होगी इसकी, रेडियस मानो ना, आर रेडियस मानो, स्फेयर है ना, हेमिस्फेयर बोला है तो रेडियस तो होगी ऑब्वियसली। Didn't understand the question. You have to find the potential energy stored in the chain with respect to the reference line which is at the base of the hemisphere. Okay? अब समझ आ गया? The mass of chain is m and the length of chain is l. करो solve. चलो काफ़ी जनता का आंसर आ रहा है, ये अल्फा इक्वल टू एल बाय आर, क्या लिख रहे हो आप, थीटा, ये अल्फा की वैल्यू। दीपांजलि सिंह, एम जी आर स्क्वायर बाय एल साइन एल बाय आर हो सकता है, दीपांजलि हो सकता है ये। सो दीपांजलि यू आर लेट और यू आर जस्ट आंसरिंग नाउ, इससे पहले आपने आंसर नहीं किए। असीम इज सेइंग एम जी आर स्क्वेयर बाय एल साइन एल बाय आर, तो अब इतना तो पढ़ ही रखा है, ये वाला क्वेश्चन तो कर ही लोगे आप लोग, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है आई थिंक। जैनम इज सेइंग एम जी आर कॉस एल बाय टू आर इक्वल टू एम जी आर कॉस थीटा बाय टू, ओके देखते हैं। संगीता रॉय हाय, यू आर सेइंग हाय एट 10:20, वी आर अबाउट टू बाइंड अप द क्लास, बाकी जनता को भी सॉल्व करने दो। सूरज
3/8 इंटू आर इंटू एम जी। गट्टू का आंसर आ गया प्रसन्ना। गुड नाइट का टाइम है अब। सही कह रहे हो, जनता अभी आ रही है। सर इस क्वेश्चन के बाद वो वाला क्वेश्चन प्लीज, वो वाला क्वेश्चन बहुत डाउट क्रिएट कर रहा है मेहुल के मन में। चलो वो वाला क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेंगे, काफी बार ये बोल चुका है। ठीक है ये वाला कर लें, इसके बाद कर लेंगे। ठीक है फिर एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा, आप लोग वो होमवर्क में करके आना। न्यू ईयर है, न्यू ईयर से पहले कर लेना वो। ठीक है नए साल में नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे फिर। चलो अब काफी टाइम हो गया, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है आई होप आप लोगों ने काफी ट्राई कर लिया है और काफी लोगों का आंसर आ भी चुका है। जैनम, असीम, सूरज, नेक्स्ट, गट्टू इज सेइंग नेक्स्ट, और जिससे ये वाला नहीं हुआ उसको नहीं सिखाना है। हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन फटाफट से ट्राई करते हैं। तो ये हमारी चेन लटकी हुई है ऐसे, ठीक है ये स्फेरिकल शेप में है, ये बनी नहीं है अभी। चलो तो इसका एक पार्ट कंसिडर करते हैं, इसकी लेंथ कितनी होगी, कुछ होगी मान लो डी एल या डी एस कुछ मान लो, तो इसको किसके बराबर होगी, ये आर डी थीटा, द रिलेशन बिटवीन द एंगल आर्क एंड रेडियस, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो ये। तो ये क्या होगा, ये एंगल होगा डी थीटा राइट, ये वाला एंगल डी थीटा होगा। फिगर अलग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उस फिगर में हौच पौच हो जाएगा और फिर आपको समझ नहीं आएगा, तो जिससे नहीं हुआ है वो देख ले, जिससे हो गया है वो भी देख लो। तो इस पार्ट की एनर्जी कितनी होगी बताओ, इस पार्ट की एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच होगी राइट। तो ये वाला हमारा लेवल है, रेफरेंस पॉइंट, और ये है हाइट एच, और थीटा चलो ये वाला ले लेते हैं जो गिवन है, तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा राइट। अब ये वाला जो एंगल हो जाएगा तो ये एच कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो इस छोटे से पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, छोटू मास डीएम राइट इंटू जी इंटू एच, एच इज आर कॉस थीटा। ठीक है अब डीएम कैसे निकाले, तो डीएम मैं इतनी बार आपको बता चुका हूँ, वही टॉफी और बिस्किट वाला कॉन्सेप्ट राइट। कितना सिंपल है, एम मास एल लेंथ में है तो डीएम मास कितनी लेंथ में है, डीएस लेंथ में राइट। तो सर नीचे वाला निकाल दिया हमने, कौन सा वाला निकाल दिया, जमीला प्रसन्ना इज आस्किंग समथिंग डिफरेंट, व्हाट इज टेंसर, सर प्लीज एक्सप्लेन, सर व्हाट्स अ टेंसर, अचानक से टेंसर की क्या हो गया भैया, टेंसर क्यों परेशान करने लगा अचानक से, इस क्वेश्चन के बाद बता दूंगा टेंसर भी बता दूंगा। ठीक है हाँ मेहुल उसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे, ये वाला कर लें पहले। चलो फटाफट से ये वाला कर लेते हैं, डीएम इज इक्वल टू एम बाय एल इंटू डी एस राइट, एंड एम बाय एल इंटू डी एस इज आर डी थीटा। ओके डी एस इज आर डी थीटा नो प्रॉब्लम, सो डीएम इज इक्वल टू एम बाय एल इंटू आर डी थीटा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है अपना। डी यू इज इक्वल टू डी एम वॉज एम बाई एल आर डी थीटा इंटू जी इंटू एच वॉज आर कॉस थीटा राइट। तो ये कितना हो जाएगा, एम जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, दिस क्वेश्चन ऑल्सो एक्सप्लेन। हाय संगीता यू आर माई न्यू स्टूडेंट, वेलकम क्लास 9th। ओके प्लीज हेल्प मी मैथ्स, हाँ मैथ्स को देख लेंगे, इसमें मैथ्स आ तो रही है देखो। एम जी एल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा राइट। अब इसको इंटीग्रेट कर दो सिंपल, इंटीग्रेट थीटा इनिशियली क्या होगा, जो हमने लिमिट ली थी उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इनिशियली सबसे छोटू यहाँ पे होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, उसके बाद यहाँ पे होगा राइट। तो
इधर थीटा जीरो है, जीरो टू थीटा इस वाले पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है, इसके एंड एक्सट्रीम पॉइंट्स तक यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो इनिशियली जीरो फाइनली थीटा, ठीक, इनिशियली जीरो और फाइनल थीटा, थीटा को निकाल लेंगे बाद में कितना होगा। सो एम जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस में साइन जीरो जीरो, ओके, तो ये आंसर आ जाएगा। और थीटा को कैसे निकाल सकते हो आप, फिर से आर थीटा इज इक्वल टू एल के बराबर होगा, तो थीटा क्या होगा, एल बाय आर, तो ये आंसर जो हमारा है वो एम जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल इंटू साइन एल बाय आर, तो जिसका भी ये आंसर है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। क्लियर है, एम जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल साइन एल बाय आर, राइट, क्लियर है ये, तो ये आंसर हमारा आ गया यहाँ पे। तो यू जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी चेन में वो कितनी होगी, एम जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल इंटू साइन थीटा बाय एल, सॉरी कितना था, आर थीटा इक्वल टू एल, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, तो ये फाइनल आंसर है, ठीक है, तो जिसका भी है ये क्लियर है। अरे मेहुल प्लीज एक्सप्लेन अगेन, ओहो नेट चला गया, चलो ठीक है, फटाफट ये वाला देखो, ये तो आसान है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इस चेन की में कितनी स्टोर होगी, राइट, और चेन इस स्फीयर के ऊपर ऐसे रेस्टिंग पोजीशन में है, मूव नहीं कर रही है, तो सिंपल हमने एक छोटू एलिमेंट माना डीएम, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख ली यहाँ पे एम जी एच, राइट, और इस डीएम की हाइट कितनी होगी, ये आर है तो आर कॉस थीटा है हाइट, राइट, तो लेवल जो हमारा रेफरेंस लेवल है उससे कितनी हाइट पे है, आर कॉस थीटा, तो डीएम इंटू जी इंटू आर कॉस थीटा, क्योंकि इसने बोला है कि टेक द बेस ऑफ द हेमिस्फेयर एज डेटम, ओके, और रेफरेंस लाइन, ओके, कोई बात नहीं कनु, तो फटाफट देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारी, हमारे पास छोटू की, अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे सिंपल, तो इंटीग्रेशन मैंने नेक्स्ट पेज पे किया है अब, लेकिन डीएम की वैल्यू का क्या करें, तो डीएम के लिए तो बहुत आसान है, ये यूनिटरी मेथड लगाया है, एम मास एल लेंथ में, डीएम मास डीएस लेंथ में, राइट, और डीएस किसके बराबर है, आर डी थीटा, तो यहाँ से डीएम की वैल्यू आ गई, इतना सिंपल है, और फिर तो बस इंटीग्रेशन किया है हमने और कुछ भी नहीं किया है, डीयू की वैल्यू रखी, डीएस ये डीएम की वैल्यू पुट की यहाँ पे, और इंटीग्रेशन किया कॉन्स्टेंट्स को बाहर लाके, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो एम जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल इंटू साइन एल बाय आर, ये आंसर आया है, ठीक है। चलो क्लियर है ये, वाला आंसर आ गया हमारा, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब एक तो होमवर्क है, तो पहले आप ये होमवर्क ले लो फटाफट से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क है आपके लिए, इसको सॉल्व करना, ठीक है, अब न्यू ईयर में हम नए क्वेश्चंस करेंगे, और अभी एक बार बता देते हैं फटाफट से, पिछला वाला एक्सप्लेन करना है मेहुल को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, ठीक है, होमवर्क में करना है आपको ये, घर पे ट्राई करना इसको क्लास के बाद, ठीक, या फिर कल इसको ट्राई कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, किसी का डाउट था भी टेंसर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो टेंसर क्वांटिटीज़ देखो इजी लैंग्वेज में अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो स्केलर वेक्टर भी टेंसर क्वांटिटी है, ठीक, तो स्केलर इज अ टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर,
एंड वेक्टर इज अ टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और जो टेंसर क्वांटिटी जो स्ट्रेस पड़ते हो उसको जनरली हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो टेंसर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए चाहिए होता है वो हमको प्लेन प्लस डायरेक्शन चाहिए होती है, ठीक है। तो स्ट्रेस के 9 कॉम्पोनेंट्स बनते हैं, 9 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स बनता है 3x3 का, तो इसीलिए वहाँ पे हम उसको टेंसर कहते हैं। लेकिन आप अभी 11th और 12th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको उतना एडवांस लेवल में वो पढ़ाया नहीं जाता है, ना ही एक्सप्लेन किया जाता है। सो यू जस्ट हैव द नेम राइट कि स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है, बट वेक्टर और स्केलर आपको अच्छे से बताया जाता है क्योंकि आप अभी उस लेवल पे हो। और जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं या एक्स्ट्रा मतलब कुछ एफर्ट लगाते हैं तो वो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सर्च करके पता कर लेते हैं। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस कि टेंसर अलग से पूछा जाएगा या पेपर में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मेहुल का डाउट ले लेते हैं फटाफट से, वो वाला क्वेश्चन मेहुल कह रहा था एक्सप्लेन करने को, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मेहुल, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी राइट, और इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगी, तो इसमें क्या होगा कि एक पॉइंट ए है हमारे पास और एक पॉइंट बी है राइट, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे राइट। तो डेटम तो कहीं भी चूज कर सकते हैं, तो डेटम हमने बी पे चूज कर लिया तो पोटेंशियल एनर्जी बी पे जीरो हो गई। तो जो भी लेवल में हाइट डिफरेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी ए पे वो हो जाएगी एम जी एच, ठीक। फिर सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया है हमने इसमें, तो के ए प्लस यू ए इज इक्वल टू के बी प्लस यू बी, एक इक्वेशन हमारी यहाँ से आएगी, ठीक। यू बी तो जीरो है तो ये पार्ट तो जीरो ही हो गया। इन तीन वैल्यूज को पुट करेंगे और कंसिडर करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी वी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि के ए प्लस यू ए इज इक्वल टू के बी के बाद हम एक एफ बी डी बनाएंगे बी वाली पॉइंट पे, ठीक है, जिसमें टेंशन लग रही है कुछ इस तरह और एम जी कॉस थीटा लग रहा है कुछ ऐसे राइट, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर जो भी लेंथ एल आप मान रहे हो अगर तो एल। अब दो इक्वेशन आएंगी, एक तो t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक इक्वेशन आएगी यहाँ से, ठीक। तो दो इक्वेशन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो इसको, तो इसको ट्राई कर लेना घर पे और बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक। तो ये दो इक्वेशन हैं, दोनों को सॉल्व कर लेना। आई थिंक दैट इज सफिशियंट फॉर टुडे। ओके गाइस, तो बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर इन द एडवांस, और कल मिलेंगे। कल हमारी लास्ट क्लास होगी वर्क एनर्जी पावर की, उसके बाद कोलिजन्स वगैरह स्टार्ट कर देंगे, ठीक, और कल ग्राफ्स के बारे में देख लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो। ओके, गुड नाइट गाइस।